मैं हमारी ख्वाहिश पूरी कर। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। हम दोनों तुम्हारे माँ बाप बनने का नाटक करने वाले हैं। क्या कमाल का हिप्नोटिज्म किया है रे तूने छोटे बाल की मिलके लाल। भारतीय इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिनके नाम से कौन वाकिफ नहीं होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपनी अदाकारी अपनी पर्सनालिटी की वजह से जानी जाने वाली मशहूर और टैलेंटेड अदाकारा रत्ना पाठक शाह की। रत्ना पाठक हिंदी फिल्मों की ऐसी मारूफ अदाकारा है जिन्होंने न सिर्फ बड़े पर्दे पर शोहरत हासिल की बल्कि छोटे पर्दे पर भी शानदार अदाकारी करके नाज़रीन के दिलों में खास जगह बनाई। रत्ना पाठक के बारे में जो चीज इन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है वो इनका ठंडा अंदाज और धीमा मिजाज है। अपनी जिंदगी को अपने असूलों पर गुजारने वाली अदाकारा रत्ना ने कभी भी वक्त की परवाह नहीं की। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ हकायक, इनकी शादी और फैमिली के बारे में। तो वेल, मेरा नाम है मारुशा इम्तियाज और आप देख रहे हैं HD एंटरटेनमेंट। बात आगे शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रत्ना पाठक की पैदाइश मुंबई में हुई। इनके वालिद का नाम देव पाठक और वालदा का नाम दीना पाठक है जो एक अदाकारा और गुजराती थिएटर आर्टिस्ट थीं। रत्ना पाठक की एक बहन सुप्रिया पाठक जो हिंदुस्तानी सिनेमा की मारूफ अदाकारा हैं। रत्ना पाठक की पैदाइश और परवरिश मुंबई में हुई। इन्होंने JB वचा हाई स्कूल और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से तालीम हासिल की। इन्होंने फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया। रत्ना ने बाज़ाब्ता अपने फिल्मी करियर का आगाज 1983 में श्याम बेंगल की फिल्म मंडी से किया। अपने फिल्मी करियर के आगाज से पहले वो थिएटर में काम करती थीं, जिसके लिए इन्हें तनकीदी पिजराई मिली। रत्ना पाठक की फिल्मों में दी कफन मेकर, हम दो, हमारे दो, मिर्च मसाला, दी परफेक्ट मर्डर, वो यूं होता तो क्या होता, जाने तू या जाने ना, गोलमाल 3, एक मैं और एक तू, खूबसूरत, कपूर एंड सन्स और नल बटे सन्नाटा जैसी कई कामयाब फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा वो साल 2017 की रिलीज फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का में भी नजर आईं। इनकी 2020 में रिलीज होने वाली फिल्मों में अनुभव सिन्हा की तरफ से हिदायत करदा थप्पड़ भी शामिल है। रत्ना ने अपने कई कीमती साल इंडस्ट्री को दिए हैं। इन्होंने 2005 में सुपरहिट मजाहिया टीवी शो सारा भाई वर्सेस सारा भाई में माया सारा भाई के किरदार से काफी शोहरत हासिल की, जिसके लिए इन्हें बेहतरीन कॉमेडी अदाकारा के लिए ITA अवार्ड से भी नवाजा गया। रत्ना हाल ही में शो हैप्पी फैमिली, कंडीशन अप्लाई और चार्ली चोपड़ा में नजर आई है। वैसे तो रत्ना के हर किरदार को ही लोगों की जानिब से सराहा गया है, लेकिन इनके मजाहिया रोल्स को सबसे ज्यादा शोहरत हासिल हुई है। अगर रत्ना पाठक की जाती जिंदगी की बात करें तो वो नसीरुद्दीन शाह की अहलिया हैं। रत्ना पाठक शाह और नसीरुद्दीन शाह की पहली मुलाकात ड्रामा संभोग से संन्यास तक के दौरान हुई थी। दोनों ने एक साथ इस ड्रामे में काम किया। रत्ना पाठक ने एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह के साथ अपने रिश्ते के बारे में कहा कि ये पहली नजर की मोहब्बत नहीं थी। जब डायरेक्टर ने हमारा तारुफ करवाया तो मुझे इनका नाम तक मालूम नहीं था। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन दूसरे दिन से ही हमने साथ वक्त गुजारना शुरू किया। नसीरुद्दीन पहले से शादीशुदा थे, लेकिन इनकी डिवोर्स हो चुकी थी। रत्ना और नसीरुद्दीन भी तवील अरसे तक लव इन रिलेशनशिप में रहे और इसके बाद इन्होंने 1982 में कोर्ट मैरिज की। इनके दो बेटे इमाद और विवेन हैं। इमाद एक एक्टर और म्यूजिशियन है और विवेन एक अदाकार हैं। रत्ना ने कई रूसी ड्रामों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए और अपने शौहर नसीरुद्दीन शाह के साथ मिलकर मोटले थिएटर ग्रुप की बुनियाद रखी। इनके मशहूर ड्रामों में हरमन विवेक, दी केन म्यूनिटी, कोर्ट मार्शल शामिल हैं। रत्ना पाठक आज भी उतनी ही टैलेंटेड अदाकारा हैं जितनी वो शुरू से थीं, और लोग आज भी इन्हें खूब पसंद करते हैं और इनके काम को खूब सराहते हैं।